राजेश खत्री सोनीपत से और नरेंद्र शर्मा फरीदाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोनीपत का रुख कर लेते हैं। सोनीपत में क्या स्थिति है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे संवाददाता हमें दिखा रहे हैं उनसे ही आप समझ सकते हैं उनके पीछे के विजुअल्स को देखकर कि क्या स्थिति है। राजेश, सबसे पहले बताइए किस तरीके से परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि एक तरह ठंड है और पीछे कोहरा भी आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिएगा सुबह का मौसम है, यानी कि ठंड इतनी बढ़ी हुई है और रात को तो इतना अधिक कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन स्थिति आप भी यहाँ पर जरूर देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है सोनीपत की है और काफी कोहरा जो है वातावरण में अभी भी छाया हुआ है, यानी के हम कह सकते हैं कि आज का न्यूनतम तापमान जो है सोनीपत में 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है और आने वाले समय में और भी अधिक कोहरा बढ़ने की संभावना है, यानी कि ठंड भी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त हम दर्शकों को यह भी जरूर जानकारी देना चाहेंगे कि खास तौर से अगर पाला पड़ता है, यानी कि ठंड की परत जो है गेहूं की बालियों पर पत्तियों पर अगर जाती है तो गेहूं के लिए पाला सही माना जाता है। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जी उत्पादक किसानों को अगर ठंड बढ़ती है, पाला पड़ता है तो उनको जरूर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर पाला सब्जियों के पत्तों पर जम जाएगा तो वह जल जाएंगे पाले में, नुकसान जरूर माना जा सकता है अगर सब्जी उत्पादक किसानों के लिए। लेकिन जब हमने दिल्ली NCR हरियाणा ने खास तौर से सुबह के समय गांव से शहर आने वाले लोगों से जब बात की तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं और ठंड भी काफी बढ़ी हुई है, यानी कि अधिक से अधिक वस्त्र शरीर पर पहनकर आगे निकला जा रहा। जी चलिए फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़े। नरेंद्र, फरीदाबाद में भी कमोबेश यही स्थिति उसी तरीके से होगी जैसे पूरे NCR में इस वक्त हम देख रहे हैं? अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर लगातार तापमान गिर रहा है। अगर हम सोमवार की बात करें तो यहाँ पर 6 डिग्री जो मिनिमम तापमान है वह दर्ज किया गया। यहाँ पर मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और 2-3 दिन यही स्थिति रहने वाली है। और इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है, सुबह स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए आ रही है, क्योंकि इतने ठंड के समय उनका जल्दी स्कूल जाना और इस तरह से बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो मरीज है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पर खांसी जुकाम कोल्ड डायरिया इस तरह के जो पहले जो मरीज आते थे 6 से 7 होती थी उनकी संख्या, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 15 से 20 हो गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो शेड जो अपना रैन बसेरे बनाए गए हैं उसके लिए भी DC ने यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं ताकि कोई भी खुले में नाश हो और इस तरह की ठिठुरन से बचा जा सके। इसके साथ साथ हिदायतें भी दी गई है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है कम पानी पीने के कारण, और जो यहाँ पर सिविल अस्पताल के CM है उन्होंने हिदायत दी है कि कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए और जिनको शुगर और BP की दिक्कत है वह इस मौसम से बचकर रहें और अपने आप को पूरा कवर करें। हालांकि अभी 2-3 दिन जैसे ही फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है इसी तरह की ठिठुरन का माहौल रहेगा और इसी तरह से लोगों को अभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर रुख कर लेते हैं रुस्तम जाखड़ का जो पलवल से इस पर साथ जुड़े हुए हैं। रुस्तम, पलवल में क्या स्थिति है और लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है इस बढ़ती सर्दी की वजह से? देखिए, लगातार सर्दी बढ़ रही है और सर्दी के साथ साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है लोगों के लिए वो घना कोहरा है, क्योंकि नेशनल हाईवे नंबर 19 यहाँ पे है, KGP यहाँ पे है, KMP का इंटरचेंज यहाँ पे है, तो निश्चित तौर से बढ़ते कोहरे के चलते यहाँ पे दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी बढ़ गई है। कोहरे के चलते कई हादसे हो चुके हैं जिनमें कई लोगों की कैजुअलिटी भी हो चुकी है और लगातार लोगों को परेशानी है घर से बाहर निकलते समय। चूंकि अगर बात करें, देखिए किसान के लिए ये कोहरा फायदेमंद जरूर साबित होगा लेकिन रोड पर चलने वालों के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी परेशानी जरूर बना हुआ है। लोगों का आवागमन है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ है। जिस समय रोड पर भीड़ देखने को मिलती थी, सुबह सुबह लोग नौकरी के लिए जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। दूसरा, आमतौर पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, वहां पर लोगों की कमी देखी जा रही है। घने कोहरे और सर्दी के चलते लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कोहरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात करें
करें रात के 10 बजे के बाद से कोहरे की जो शुरुआत है वो हो जाती है और सुबह होते होते कोहरा काफी ज्यादा हो जाता है।